आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। आप सभी को ज्ञात है कि एक डेढ़ वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले पे कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना डर के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पे गए थे 2021 में जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया? छुटभैये नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग थे। क्या कब्र खुदेगी मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया? और यह बात सिर्फ आज की नहीं है, यह विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने से शब्दों का प्रयोग किया वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी तब भी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था।